आपके साथ अनु और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। उमरिया जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां आयोजित कार्यक्रम के दौरान शहडोल जोन के डीआईजी सुश्री सविता सुहाने, संबंधित पुलिस विभाग के समस्त अधिकारी, पुलिस स्टाफ एवं जन प्रतिनिधियों सहित गणमान्य नागरिक पत्रकारगणों की मौजूदगी में कार्यक्रम सम्पन्न हुआ एवं पुलिस जन संवाद कार्यक्रम के दौरान मंच पर उपस्थित अतिथियों का स्वागत पुष्प गुच्छ से किया गया। वहीं अपने उद्बोधन के दौरान अतिथियों ने कहा कि नागरिकों की समस्याओं को लेकर पुलिस और जनता के बीच समय समय पर संवाद होता रहे, यही सरकार की मंशा है। पुलिस और नागरिकों में आपसी भाईचारा बना रहे, अपराधों पर नियंत्रण रहे, इसी प्रयास में सभी को काम करना है, यही पुलिस जन संवाद कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। वहीं शहडोल जोन के डीआईजी सुश्री सविता सुहाने ने कहा कि माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश में एवं पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश के आदेश पर प्रदेश के सभी थाना क्षेत्रों में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच एक साथ पुलिस जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाना सुनिश्चित किया गया है एवं जनता और प्रबुद्ध जन डॉक्टर अधिवक्ताओं का सुझाव हो सके, जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, अपने मन की बात पुलिस से कह सके एवं पुलिस के द्वारा जनता से एक फीडबैक लिया गया 20 बिंदुओं पर ऑनलाइन ऑफलाइन, ताकि कोने कोने की जानकारी पुलिस को मिल सके, इसी को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया एवं लोगों को अपनी समस्या से अवगत कराने के लिए कहा गया, उन्हें क्या क्या सुविधाएं चाहिए, खुलकर लोग अपनी समस्याओं को पुलिस से साझा कर सके, जनता पर प्रशासन का भरोसा कायम रखना यही उद्देश्य मानकर पुलिस के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। पेश उमरिया से शंकर सिंह की खास रिपोर्ट। देखिए आज कम्युनिटी हॉल स्थान उमरिया में पुलिस जन संवाद का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे शहडोल जोन की डीआईजी सुश्री सविता सुहाने जी का आगमन हुआ। पुलिस और आम जनता का संवाद स्थापित होता रहे, समय समय पर बैठकें होती रहें, इस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार के हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के दिशा निर्देशानुसार पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ जनता और पुलिस का संवाद आपस में कामयाब हो, संवादहीनता न हो, बराबर आम पब्लिक और पुलिस में एक भाईचारा सद्भाव बना रहे, सारे अपराध रुके, इस संबंध में सभी समाज के लोगों को मिलकर काम करना, इसका संवाद पे सविता सुहाने मैडम जिसमें थी मुख्य अतिथि रही, हम लोग अपनी बातें रखे हैं और हम व्यापारियों की जो समस्याएं थी उसको वजन से रखा। और दूसरा एक निवेदन किए हैं कि एक थाना सुरक्षा समिति का गठन किया जाए, क्योंकि पुलिस मुख्यालय द्वारा कई बार पत्र जारी हुआ है जिला प्रशासन को, परंतु अभी तक उसको लागू नहीं किया गया था। उस विषय में हम लोग निवेदन किए हैं कि मैडम जिसको नगर सुरक्षा समिति जिस प्रकार से काम करती है, ऐसे थाना स्तर पर व्यापारियों के साथ भी एक कमेटी का गठन किया जाए, जिससे व्यापारियों की समस्याओं का निराकरण किया जाए। जैसा कि आप सभी को पता है कि माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय के दिशा निर्देश पर पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश सुधीर सेना साहब के आज निर्देश हुए थे कि पूरे मध्य प्रदेश के समस्त थानों में एक साथ जनसंवाद किया जाएगा 12 बजे से 2 बजे तक। इसमें हमारे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक महोदय डीसी सागर साहब के निर्देशन पर हम लोगों ने मार्गदर्शन पर सभी जगह इनका संवाद किया है, सभी जगह थाना प्रभारियों ने किया है, जहां भी अनुविभागीय अधिकारी एडिशनल एसपी पहुंच पाए हैं वो हर जगह किसी न किसी ने हर थाने को अटेंड किया है। मैंने पाली में और यहां उमरिया में किया हुआ है, हमारे एडीजी साहब भी अनूपपुर जिले में गए हुए हैं। इसका उद्देश्य ये था कि हमारे समाज में, शहर में, थाना क्षेत्र में प्रबुद्ध जनों से, अधिवक्ता से, डॉक्टर का और आम जनता का एक जुड़ाव हो सके और जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, वो अपनी बात मन की पुलिस में कह सके। और जो भी, क्योंकि जो व्यक्ति थाने में आता है उसके पास कोई ना कोई समस्या होती है, तो उस समस्या के निराकरण के लिए ही पुलिस है। और जब तक हम तक सब लोग कहेंगे नहीं तो हमें मालूम कैसे पड़ेगा, तो वो संकोच ना करे किसी भी तरह से, इसलिए हमने इन सब संपाद किया। कि इस पुलिस एक्ट का जो है आजादी के पहले का है, अंग्रेजों का बनाया कानून है, जिसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं, इनको नजदीक लाया जाए पब्लिक और पुलिस। उस जमाने में जो हमारे देश के बड़े बड़े नेता थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने भी कहा कि जो पुलिस है वो बड़े आदमियों के काम नहीं करे, वो जन सामान्य के लिए भी काम करे और इस प्रदेश और राज्य और जिला में ऐसी व्यवस्था करे जिसमें कि आम नागरिकों को भी पुलिस के माध्यम से सहायता मिले और पुलिस जो है उनके